हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक एलईडी ट्यूब रिपेयर करने जा रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है, पूरी तरह डेड लग रहा है। अब देखते हैं इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। मैं इसमें प्लग से कनेक्ट करके पहले देखता हूं क्या ऑन हो पा रहा है कि नहीं ऑन हो पा रहा है। तो इसको मैं प्लग से कनेक्शन दे रहा हूं और इसमें इंसुलेशन का भी अरेंजमेंट कर रहा हूं ताकि सेफ्टी भी रहे। अब फ्रेंड्स, मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं, ग्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल डेड सा है। अब इसको मैं ओपन करता हूं। तो इसको ओपन करने के लिए यहां से प्रेस करके ऐसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले आप इसको फिजिकल इंस्पेक्शन करना है, कोई टूटा फूटा डैमेज तो नहीं है। आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको कहीं पे कोई एलईडी ऐसा होगा जो डार्क कलर का होगा, वो बर्न होगा। अगर ऐसा आपको लगे तो एक बार इसको शुरू से लास्ट तक इंस्पेक्शन कीजिए। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाले जो एलईडी हैं यहाँ पे, ये डार्क लग रहे हैं। दूसरे एलईडी से अगर कंपेयर करते हैं साइड के एलईडी से, तो यहाँ पे कुछ एलईडी डार्क है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि फॉल्ट हो सकता है। और इस तरफ भी ठीक लग रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे डार्क है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं और इसको कैसे ठीक करते हैं। इसमें दो तरह के फॉल्ट आते हैं। पहला तो ये कुछ एलईडी खराब हो जाती है, इसमें पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है एलईडी का। कुछ एलईडी पैरेलल में करके फिर उनको सीरीज में लगाए जाते हैं, तो अगर एक एलईडी की सीरीज टूट जाती है तो पूरी ट्यूब ही बंद हो जाती है। और इसके अंदर एक ड्राइवर लगी रहती है जो कि 80 वोल्ट या 90 वोल्ट या 100 वोल्ट के आसपास डीसी वोल्टेज देता है, जो कि डीसी वोल्टेज यहाँ पे आता है। तो आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज पहले चेक कर लेना है, उसके बाद हम एलईडी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब ये कनेक्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ। अब मैं इसमें वोल्टेज चेक करता हूँ, मैंने उसको डीसी रेंज में रख दिया है। यहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है और बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ करना है कि ये शॉर्ट ना होने पाए। यहाँ पे यह 90 वोल्ट के आसपास वो कर रहा है, 80, 90, 100 के आसपास थोड़ा थोड़ा वेरी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लाई तो अवेलेबल है बट कोई एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, ऐसा एक ट्वीजर लेना है जो कि इंसुलेटेड होता है और आगे इसके पॉइंट ये ओपन रहते हैं। इस ट्वीजर से आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपने फिजिकल इंस्पेक्शन किया है कि कहाँ पे एलईडी डार्क है। यहाँ पे एलईडी थोड़ी थोड़ी डार्क दिख रही है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं पॉइंट पे शॉर्ट करके चेक करना है, आपकी पूरी ट्यूब ग्लो कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ठीक है लेकिन यहाँ से थोड़ा डार्क हो रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट करके चेक करूंगा। अगर आपको कहीं पे डार्क ना भी मिले तो भी आप शुरू से आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ऐसे करके आपको शॉर्ट करना है इस दोनों पॉइंट्स को। बट मुझे यहाँ पे डार्क लग रहा है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे आकर के चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्लिकर हुआ था, जला था। ये देखिए, फर्स्ट एलईडी यहाँ पे मिलता है जहाँ की ग्लो आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ग्लो नहीं आ रहा, जो डार्क वाले हैं यहीं पे एक्चुअली प्रॉब्लम है और इसको शॉर्ट करने पे ग्लो हो रहा है। ये चार को मैंने शॉर्ट किया तो ग्लो हुआ है, अब ये पांचवें को देखिए, इसको शॉर्ट करने पे ग्लो नहीं हो रहा है, इसको भी शॉर्ट करने पे ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम इन चार एलईडी में है, 1, 2, 3, 4, इन चार एलईडी में प्रॉब्लम है। इसलिए चारों पैरेलल में रहते हैं और इसके बाद ये अगले के साथ सीरीज में रहते हैं। तो हम इसको जब शॉर्ट कर रहे हैं ना तो ग्लो कर रहा है, इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो ग्लो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट करना है। मगर आप देखिए, इसमें टोटल हमने काउंट किया एलईडी, इसमें 96 एलईडी लगे हुए हैं और चार चार जो है पैरेलल में है, मतलब टोटल 24 इसमें सीरीज है। अगर देखें तो एक पे लगभग 4 वोल्ट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 4 वोल्ट का ड्रॉप होता है। अगर इसको शॉर्ट करके भी आप चला सकते हैं, आप यहाँ से एक वायर ऐसे सोल्डर कर दे इस जगह से इस जगह पे, तो शॉर्ट कर देने से चल जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि इसका जो 4 वोल्ट का जो ड्रॉप हो रहा है उसका लोड बाकी एलईडी पे चला जाएगा, तो बाकी एलईडी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप देना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप के साथ हमें सप्लाई देनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं 5 डायोड को सीरीज में लगाऊंगा और एक डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप देता है, तो 5 डायोड लगभग 3.5-4 वोल्ट के आसपास का ड्रॉप देगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ये डायोड है ऑलरेडी। ये डायोड बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आपको 1 रुपया या उससे भी कम प्राइस में मिल जाते हैं। ये डायोड का नंबर जो है 1N4007 है, ये 4007 वाली लेनी है। ऐसे ही 4001 भी आती है, लेकिन आपको 4001 नहीं लेनी है, 4007 लेनी है, क्योंकि 4007 हाई वोल्टेज को सपोर्ट करता है। अब देखिए, कैथोड इसका इस तरफ है, इसको सीरीज में लगाने के लिए इसका एनोड इसका कैथोड पे हो रहा है। तो आपको आइडिया तो होगा इस सीरीज में कैसे कनेक्शन करते हैं। फिर अगले को भी सीरीज में लगाइए। आपको पॉलिटी का ध्यान रखना है कि कैथोड और एनोड को कैसे सीरीज में लगाना है। पांच डायोड सीरीज में लगे हुए हैं दोनों एंड से, उस पर आपको छोटे छोटे वायर सोल्डर करने, बड़ा वायर नहीं लेना है। बड़ा वायर लेने से क्या है, इधर उधर शॉर्ट करता रहेगा, आप छोटे वायर लीजिए। ये मैंने कैथोड पे ब्लू वाला कर दिया,
ब्लू ब्लैक कुछ भी ले सकते हैं, और ये नोड पे मैं रेड वाला कर दे रहा हूँ। अब जो ये हमारा डायोड का सीरीज तैयार हुआ है, इसको अब हम इसमें टेस्ट करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हमारा इसका कनेक्शन लगा हुआ है प्लग में। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे डाउट था जिसको शॉर्ट करने से ग्लो कर रहा था, वहां पे इसको आपको लगा के देखना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, में एक तरफ मेटल ज्यादा दिखता है, एक तरफ कम दिखता है। तो जो मेटल जो ज्यादा दिखता है, यही एक्चुअली निगेटिव पॉइंट है। मैं उल्टा लगा के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। देख, थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, यहाँ पे करंट ना लगे, आपको मेटल पॉइंट टच नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ग्लो नहीं कर रहा है। अब मैं इसको उल्टा करके लगा रहा हूँ, मतलब जो कैथोड वाला जो है इसको मैं निगेटिव पर लगा रहा हूँ और रेड वाला को दूसरे साइड लगा रहा हूँ। देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर देनी है, दोनों पॉइंट्स को, चाहे तो यहाँ कर दीजिए, चाहे तो यहाँ कर दीजिए। तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तो मैं प्लग निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि सोल्डरिंग करने के लिए आपको प्लग निकालना जरूरी है, नहीं तो अर्थ की वजह से शॉर्ट हो सकता है। अब रेड वाले को दूसरे पॉइंट पर सोल्डर कर देंगे। सोल्डर कर दिया, एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी ट्यूब ग्लो कर रही है, और यहाँ पे ये जो चार जो एलईडी थे ये नहीं ग्लो कर रहे हैं। अब हम इसको प्रॉपर फिक्स कर देंगे। तो मैं इसका प्लग अब निकाल दे रहा हूँ। एक टेप लेंगे और इस वाले एरिया में इसको कवर कर देंगे, ताकि अंदर इंसुलेटेड हो जाएगा। और इसको यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे प्लेस करके, अभी ज़्यादा कहीं इधर उधर जाएगा नहीं और कहीं शॉर्ट भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ट्यूब पूरी तरह से जल रही है। सिर्फ यहाँ पे हल्का सा डार्कनेस है, जो बहुत ज्यादा फील भी नहीं हो रहा है। ये ट्यूब पूरी तरह से ग्लो कर रही है और इसकी लाइफ बराबर बनी रहेगी, क्योंकि इसमें हमने डायोड लगाया हुआ है, एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप भी दे रहा है। तो अब ये प्रॉपरली काम करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आप इसमें सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना।